हाय दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग से इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2015-16 कैसे डाउनलोड किया जाता है और उसे यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और उसमें google.com पे जाके क्लिक कीजिए और अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कीजिए, गूगल वेब पेज सॉरी। उसमें जाकर मेरे वेब का नाम डाल दीजिए, मेरे ब्लॉग का अनिल कुमार लिखिए, जो कि यहाँ पहले से आ रहा है। आप इस पे क्लिक कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग का नाम है www.anilkumar79.blogspot.com। यहाँ पर क्लिक कीजिए अनिल कुमार आर्य यादव पे और ये मेरा ब्लॉग ओपन हो चुका है। और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे और यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं कि और मैंने यहाँ पे कई सारे लिंक लगाए हुए हैं। आप यदि आप मेरा ब्लॉग ओपन करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं कि यह आपके बहुत काम की चीज़ है। अगर आप स्कूल में जॉब करते हैं, अगर आप स्कूल के अलावा भी कहीं जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ है ये। तो आप देखिए कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर 100 एम्प्लॉय 2015-16, इस पे क्लिक कीजिए। आप इस पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हो रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आप इस फाइल पे क्लिक कीजिए। यह फाइल ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपने क्लिक किया और फिलहाल ये देख लीजिए आप। यहाँ पे मैं आपको बताने जाता यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे फिल कैसे करते हैं। यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम, तो मुझे सैलरी से कितनी इनकम प्राप्त हुई है पूरे साल में। तो फॉर एग्जांपल मेरी इनकम पूरे सालाना इनकम है 5 लाख फॉर एग्जांपल। और नॉन मेट्रो और मेट्रो सिटी में यह फर्क है कि अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, मद्रास यहाँ पर आप रहते हैं तो यह मेट्रो सिटी कहलाता है। और अगर आप उसके अलावा कहीं रहते हैं, जैसे कि मैं ठाणे जिले में रहता हूँ, तो यह नॉन मेट्रो सिटी कहलाता है। तो फिर यहाँ पर मैंने नॉन मेट्रो सिटी क्लिक किया। अगर आपका खुद का फ्लैट है तो आपको यह तीन ऑप्शन भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह ऑप्शन। और अगर आप भाड़े पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, तो आपको यह भरना अनिवार्य है आप कितना भाड़ा देते हो अपने मकान मालिक को। तो फिलहाल तो ये मेरे लिए लागू नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से भरता हूँ। तो यह मेरा TA, अब मुझे सालाना TA मिल जाता है 9,600। यहाँ पे प्रोफेशन टैक्स 2,500, यहाँ पे बैंक सेविंग 0, मेरा NSC है मेरा 10,000 रुपये का, मेरा पोस्ट में किसी भी प्रकार की बचत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे रिकरिंग डिपॉजिट भी नहीं है मेरा, एनी अदर इनकम नहीं है। हाँ, जो कि मेरा घर खुद का है तो मैं सालाना उस पर हाउसिंग लोन के सेक्शन 24 के अंतर्गत जो भी ब्याज होता है वो भरता हूँ। तो मेरा सालाना ब्याज है 1,50,000 रुपया, उसकी लिमिट 2 लाख है। आप 2 लाख के ऊपर नहीं फील कर सकते। यहाँ पे मुझे मेरा PPF नहीं है, मेरा सीनियर सिटीजन नहीं है, मेरा NSC भी नहीं है, टैक्स सेविंग डिपॉजिट नहीं है। हाँ सॉरी, यहाँ पे मेरा सालाना PF कट होता है 60,000 रुपये, मंथली 5,000। यहाँ पे टैक्स सेविंग बॉन्ड नहीं है, या यहाँ पर भी कुछ नहीं है। सालाना LIC 10,000 रुपये की है मेरी।
अलावा अगर आपने मेरा हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल 50,000, सुकन्या के अंदर सुकन्या का भी बेनिफिट नहीं लिया है मैंने, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो कि माननीय मोदी जी द्वारा चलाई गई स्कीम है, यह लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है। एटीडी में मैं सालाना 10,000 की सेविंग करता हूँ। जो भी आपके लिए अनिवार्य है आप वो अपना भरिए, ये तो मैं अपना फिलहाल भर रहा हूँ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए। और सालाना मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे वेतन से 15,000 रुपये टैक्स डिडक्शन किया है। अब देखिए कि यह मैंने पूरा केयरफुली फिल कर लिया है और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा गो टू टैक्स कैलकुलेटर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, आप उसमें एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर लिख दीजिए। तो मेरा नंबर है 1, मैंने 1 क्लिक किया। आप देखिए मेरा नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सालाना इनकम जो भी मैंने फिल किया है फर्स्ट पेज पे, यहाँ पे सभी आ गए। और मुझे टैक्स भर मेरा टैक्स आ रहा है 0, क्योंकि सालाना मेरा टैक्सेबल इनकम है 2,70,900 रुपया, क्योंकि 2.5 लाख तक टैक्स छूट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा 2,70,900 रुपया टैक्सेबल इनकम है, उसमें से 2,000 का रिबेट जो कि मुझे लागू नहीं है अभी क्योंकि मैं पहले से ही नील हो चुका हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेरे एम्प्लॉय ने मेरा 15,000 रुपये मेरे माहवार वेतन से कपाट डिडक्ट किया हुआ है प्रति माह, तो यह मुझे रिफंड मिल जाएगा। तो जब भी मैं अपना ITR फिल करूँगा उसमें यह अमाउंट मेरा रिफंड हो जाएगा 15,000। तो ऐसे ऐसे करके आप यहाँ पे फिर से बैक जाइए, आप फिर से नए एम्प्लॉय का भरिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयर ने वेतन से कट किया हुआ है 10,000 और सालाना इनकम है मेरी 8 लाख। ये एग्जाम्पल है। अभी आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे 2 नंबर डालिए और आप क्लिक कीजिए, आप देखेंगे कि ये देखिए आप जब 2 नंबर डालेंगे तो आपको यहाँ पे यह एम्प्लॉय ओपन हो जाएगा। तो अगर आप एक बार इस शीट को पूरे अच्छी तरह से फिल कर देते हैं तो आप साल के अंत में यह सभी पेज का प्रिंट आउट, 1 बाय 1 प्रिंट आउट निकाल के आप अपने एम्प्लॉय को टैक्स कैलकुलेटर दे सकते हैं कि उनका कितना टैक्स भरना है या रिफंड है। अब देखिए इनका टैक्स है 69,813, उसमें से इन्होंने 10,000 भरा हुआ है तो उन्हें इतना टैक्स पेएबल है 59,813 रुपीज़। तो मुझे लगता है कि आपको यह अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा कि एक्सेल शीट में जाकर इनकम टैक्स कैसा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसे डाउनलोड कीजिए। आप जहाँ भी जॉब करते हैं आपके लिए
आप अपने एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, आपकी समय की बचत होगी इससे। ओके दोस्तों, बाय।